साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें, तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुएं खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें, तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन
भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 2400 घंटे हर किसी ने अपना जिम्मा संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है।